हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे वीडियो में आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल वे टू लर्न डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव लर्न करने का एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी से जो है डेरिवेटिव याद हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। सो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और जो सेक एक्स होता है वो क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद आते हैं कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, या आप इसको जो है वन अपॉन टेन एक्स भी कह सकते हो, टेन एक्स का उल्टा होता है। उसी तरह से जो कॉसिक एक्स होता है वो होता है वन अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये दो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है बराबर, और सिक एक्स बराबर होता है वन अपॉन कॉस एक्स के। तब sec x जो है वो cos x का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, और जो cosec x होता है वो sin x का जो है प्रोपोर्शनल इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं fx, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, और इस साइड हम लिखते हैं इनके डेरिवेटिव्स f डैश x। ठीक है, चलिए हम एक एक कर इनकी डेरिवेटिव याद करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। उसके बाद आते हैं हमारे टेन एक्स। देखिए, साइन कॉस आपस में पेयर बनाएंगे, साइन कॉस और टेन कॉट आपस में पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाने का मतलब ये है कि इन दोनों की डेरिवेटिव जो है वो रिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। आज ही ऊपर सेक स्क्वायर एक्स क्यों होता है, क्योंकि आप टेन एक्स का अगर देखो, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपन कॉस एक्स। याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है, और जो सेक एक्स होता है वो वन अपन कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स यहाँ पे देखो सिमिलर है तीनों दोनों में, इसका जो हर है उसमें कॉस एक्स सिमिलर है। ठीक है, उसी प्रकार कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स अपन साइन एक्स होता है, और कॉसिक एक्स बराबर वन अपन साइन एक्स होता है। सो यहाँ पे भी देखो साइन एक्स आपका दोनों में नीचे सिमिलर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हो, टेन एक्स सेक एक्स एंड कॉट एक्स कॉसिक एक्स। सो यहाँ पे टेन एक्स का होता है टेन एक्स, यहाँ पे रिलेट कर रहा है सेक एक्स से, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉट एक्स का होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस का पेयर बन गया, टेन कॉट का हो गया। अब यहाँ पे सेक कॉसिक का पेयर बनाते हैं, सेक एक्स और ये हो गया कॉसिक एक्स। ठीक है, सेक एक्स का क्या होता है, कॉसिक एक्स का क्या होता है। सो सिंपली करना क्या है, देखिए, याद करने के लिए साइन एक्स कॉस एक्स आराम से याद हो जाता है, टेन कॉट भी याद हो जाता है, प्रॉब्लम होती है सिर्फ सेक और कोसेक में याद करने में। ठीक है, तो टेन कॉट का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आपको कैसे इसको लर्न करना है कि टेन किसके साथ जाएगा, कॉट किसके साथ जाएगा। ठीक है, ऊपर का ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और उसी तरह से हम इसका बनाते हैं सेक एक्स का। आपको पहले तो सेक और कोसेक का आपको डेरिवेटिव लिखने के लिए सबसे पहले जो लिखा है सेक एक्स लिखा है, तो सेक एक्स को उतार दीजिए। सेक एक्स का होता है सेक एक्स और डॉट, फिर उसके बाद सेक एक्स जिसका रिलेटिव होता है, यहाँ पे टेन का रिलेटिव है सेक एक्स, तो उसका रिलेटिव लिखिए सेक एक्स डॉट
टेन एक्स, ठीक। ऐसे ही कॉस एक्स एक्स का होता है, कॉस एक्स यहाँ पे भी लिख देंगे आप डॉट, यहाँ कॉस एक्स रिलेट किससे कर रहा है, कॉट एक्स से ना, तो यहाँ पे कॉट एक्स। अब यहाँ पे अब हम मेन ट्रिक की ओर आते हैं। देखिए मेन ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो इसके जो डेरिवेटिव हैं इनके साइन डिसाइड करने पड़ते हैं कि कौन सा साइन जो है नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अभी हमने इसलिए साइन यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा है, मैं बताने वाला हूँ सिंपल वे में कि आप कैसे डिसाइड करोगे। सो सिंपली फंक्शन का जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि साइन देखो एस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, ठीक है, और टेन का जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, जैसे कॉस एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, ठीक है, जितने भी सी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, आप देखो ये तीन ही सिर्फ सी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, छः में सिर्फ तीन ही सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जिनका नाम सी अल्फ़ाबेट से, उन सब के डेरिवेटिव के जो साइन होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, इन सी से शुरू होने वाले जितने भी अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं इनके साइन नेगेटिव होंगे, इनके इनके डेरिवेटिव के साइन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है, और बाकी जो भी बचेंगे उन सब के जो है पॉजिटिव होंगे, जैसे साइन का पॉजिटिव होगा साइन, इसके बाद टेन का भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, टेन का जो डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव होगा, और सेक एक्स का भी डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स ये जो है पॉजिटिव होगा। सो कैसा लगा वीडियो, सिर्फ टिप इतना ही था, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 7 मिनट का वीडियो हो चुका है, सो स्टार्टिंग्स आप देख लीजिए एक बार फिर से, आपको टेन एक्स और सेक एक्स में जो है एक तरह से एक रिलेशन है, आप देख सकते हैं दोनों के जो हर हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ऐसे कॉट एक्स और कॉसेक एक्स में भी इनके रिलेशन है, देखिए आप इनके भी हर जो है इक्वल हैं, तो आप इनके इनके रिलेशन और इनके इनके रिलेशन पता कर मतलब याद कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेन एक्स लिखें तो टेन एक्स का जिसके साथ रिलेशन है उसका जो है स्क्वायर के रूप में फॉर्म में होगा, कॉट एक्स का जिसका रिलेशन उसका भी स्क्वायर के रूप में होगा, और उसके बाद सेक और कॉसेक का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, सेक एक्स का सेक एक्स डॉट टेन एक्स और कॉसेक का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, और यहाँ पे हम सिंबल के बारे में भी यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन से किसके डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव होगा किसके नेगेटिव होगा, तो जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके सिंबल नेगेटिव होंगे बाकी के पॉजिटिव होंगे। सो थैंक यू, और अगली वीडियो डेरिवेटिव से रिलेटेड ही आने वाली है, बट यहाँ पे अगली वीडियो में हम प्रूफ करेंगे, मतलब हर एक यहाँ पे फंक्शन के जो है हम डेरिवेटिव प्रथम अवकलज के नियम से निकालेंगे, ठीक है, अवकलज के प्रथम नियम के बारे में तो अपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो भी वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उस प्रथम नियम के अनुसार हम सभी के डेरिवेटिव को जो है प्रूफ करेंगे निकालेंगे, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू। तब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब और डिसलाइक और जो भी आपको डाउट है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, धन्यवाद।